हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज है नागपंचमी। आप सभी को नागपंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी सुबह का टाइम है और बच्चे तो स्कूल चले गए। सुबह का जो काम है वो सब मैंने ज़्यादातर ख़त्म कर लिया है। आपको बताऊँ तो मौसम ने तो बस परेशानी कर रखा है। कभी बारिश हो रही है, कभी बारिश बंद हो रही है। मतलब सुबह से अभी 9 बजे के करीब का टाइम है और सुबह से 4-5 बार बारिश हो चुकी। बच्चे जब स्कूल गए थे तब भी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, फिर उसके बाद एकदम से बंद हो जाती है। पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा मौसम हो रहा है यहाँ हरिद्वार में। और गर्मी भी अंदर घर में, मतलब फ्लैट में काफ़ी गर्मी है और बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। ऐसा मन कर रहा है कि बाहर बैठ जाए, लेकिन बारिश होती है फिर बारिश बंद हो जाती है। हवा तो नाम मात्र की चल रही है बस, और उमस का ऐसा उमस टाइप मौसम हो रहा है। तो नागपंचमी है, मुझे मंदिर जाना है और उसके लिए मैं बनाऊंगी भोग। भोग जो आज लगता है वो है खीर और पूरी का। तो खीर बनानी है अभी मुझे और पूरी बनानी है। आज के दिन रोटी नहीं बनाते, नागपंचमी वाले दिन मतलब रोटी नहीं बनानी चाहिए, तवा गैस पर नहीं रखती। तो पहले खीर बनाती हूँ और पूरी बनाती हूँ, उसको लेके मंदिर जाऊँगी, भोग लगा के आऊँगी, फिर उसके बाद में खाना बनाऊँगी। और आपको मौसम दिखाती हूँ मैं बाहर का। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, चिड़िया आ रही हैं अपना खाना खाने के लिए, क्योंकि मैंने उनका अपना सुबह डाल दिया था, उनका चावल और बाजरा ऐसे मैं डालती रहती हूँ। आजकल तो उन्हें आदत पड़ गई है, आती हैं यहाँ, बोलती हैं और फिर मैं डाल देती हूँ। सामने जो पहाड़ है ना, उन पर बादल इतने सुंदर हो रहे हैं, काले काले बादल हो रहे हैं बिल्कुल। देखिए वो, देखिए सामने पहाड़ भी दिखाई बिल्कुल नहीं दे रहे। ये देखिए बारिश हो चुकी है सुबह से कई बार। तो ये मैं यहाँ डाल देती हूँ इनके चावल, ये आती हैं खाती हैं और चली जाती हैं। पहले मैं डालती थी नीचे, मतलब नीचे रखा था मैंने इनका बाउल, उसमें डालती थी, लेकिन वहाँ आती ही नहीं है ये। और ये देखिए केले के पेड़ में नया पत्ता निकल गया। और अपराजिता पर सिर्फ 2 ही फूल आए हैं अभी तक, उसके बाद फूल ही नहीं आए अभी। ये बन रही है मेरी खीर और ये रखे हैं मखाने भुने हुए। मखाने मुझे डालने हैं खीर में, तो पहले मखाने मैंने भून लिए थे, तो अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रखे हैं। तो पहले इनको पीसती हूँ और फिर डालती हूँ खीर में, क्योंकि खीर मेरी बनने ही वाली है। और ये रखी है इधर किशमिश और बादाम पीस के रखे हैं, ये भी सब खीर में डाल लूँगी और फिर उसके बाद बनाती हूँ पूरी के लिए आटा। मखाने मैंने पीस लिए हैं, मैंने इन्हें घी में भून लिया था पहले, और बहुत अच्छी खीर बनती है अगर ऐसे मखाने को घी में भून के और फिर पीस के अगर हम खीर में डालते हैं ना, बहुत ही अच्छी खीर बनती है। तो जी ये ले लिया है मैंने भोग, पहले लगाऊंगी मैं अपने मंदिर में भोग, मतलब अपनी पूजा में भोग लगाऊंगी। और भोग लगाने के लिए मैं आपको बता दूं तो पीतल के बर्तन भगवान जी के लिए सबसे ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो आप पीतल के बर्तन में या केले के पत्ते में भगवान का भोग, भगवान का जो भोग लगता है वो केले के पत्ते पर या फिर पीतल के बर्तन में, स्टील के बर्तन में कभी नहीं लगाना चाहिए। तो उनका भोग बन गया है, पहले यहाँ पर दियावती करती हूँ और भोग लगाती हूँ, फिर उसके बाद मंदिर जाऊँगी। तो पूजा का सब सामान तैयार हो गया है और अब चलते हैं मंदिर। तो जी फ्रेंड्स, मंदिर में से मैं आ गई थी और मंदिर में बताऊँ आपको, बारिश हो गई थी वहीं पे मुझे स्टार्ट, और फिर मैं आके हाथ में धुल के थोड़ी देर आराम किया है। आराम करने के बाद बनाया थोड़ा सा खाना, क्योंकि छोले उबाल के चली गई थी, चावल भिगो के गई थी और खीर तो मेरी बन गई थी सुबह। तो देखिए खाना, अभी फिलहाल मुझे पूरी बनानी है और बच्चे को भी आने का टाइम होने वाला है। जी छोले हमारे बन गए हैं और इधर हमारी रखी है खीर, इधर रखे हैं चावल और बस पूरी बनानी है। आने वाले बच्चे तो वैसे एक ही बार खाना खा लिया ना, सभी बैठ के मैं भी एक बार यहीं खा लेंगे तुम्हारे पास ही। हेलो गाइस, हेलो, तो कैसा रहा आज का दिन आपका? अच्छा थक गए तुम? देखिए राघव स्कूल जाकर थक जाता है बहुत ज़्यादा, गर्मी हो रही थी ना वहाँ, बहुत गर्मी हो रही थी। क्यों नहीं खा रहे खीर? रसगुल्ले तो अच्छे लगते हैं तुम्हें? उसकी बात अलग है।
और खीर की बात, खीर तो उससे भी ज़्यादा अच्छी है। राघव खीर नहीं खा रहा है, देखिए मैंने खीर बनाई थी ना आज। तो जी फ्रेंड्स, ये है शाम का टाइम, शाम के 4 बजे हैं, बच्चे चले गए हैं ट्यूशन में और मैं भी सो रही थी, सो के तो उठी हूँ क्योंकि दोपहर में देखिए आराम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, थक जाते हैं सुबह के उठे हुए। तो बच्चे जब ट्यूशन से आ जाएंगे, 6:30 बजे करीब बच्चे आ जाते हैं ट्यूशन में से, तो आज शाम को मुझे जाना है एक जागरण में, चाचा जी के यहाँ पे जवालपुर जागरण है तो वहाँ पे हमें जाना है, और उनके साथ में उनके पोते का जन्मदिन भी है आज, तो जागरण और जन्मदिन दोनों के लिए हमें जवालपुर जाना है शाम के टाइम। तो फिलहाल तो बच्चे ट्यूशन गए हैं, जब आ जाएंगे तो हम रेडी होकर फिर वहाँ भी जाएंगे। फिलहाल अपने लिए चाय बनाती हूँ और चाय पीती हूँ, थोड़ा आलस आ रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं हो गई हूँ रेडी बर्थडे में जाने के लिए, बर्थडे भी है, जागरण भी है, और आज मैंने पहना है ये ग्रीन कलर का सूट, और देखिए अक्षत भी रेडी हो गया है इधर, और ये भी हो गए हैं रेडी, बस अभी निकलने वाले हैं क्योंकि टाइम हमें 7 बज गए हैं और 6:30 का टाइम दिया था उन्होंने, लेकिन वही तैयार होते होते 7 ही बज गए हमें, थोड़ा सा लेट हो गए। तो चलिए चलते हैं बर्थडे में। लेकिन जागरण के लिए मैं नहीं रुकी हूँ,
मतलब बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ा सा लेट हो गया था और जागरण भी लेट स्टार्ट अभी हुआ ही था, तो इस वजह से हम नहीं रुके हैं क्योंकि फिर बच्चों का सुबह एग्ज़ाम है, सुबह जल्दी उठना था, तो इसलिए हम अभी आ गए हैं। तो फ्रेंड्स अभी चेंज करूँगी और मैं चलते चेंज कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब टाइम हो गया है वीडियो को एंड करने का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हाँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई और बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।